हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका वापस। तो चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, उसका फर्स्ट टॉपिक में साइंटिफिक मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हमने साइंस क्या होती है जाना, सोशो साइंस है या नहीं, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट देखे एंड कुछ कंक्लूजन सा लिखा। ठीक है, तो रिवाइज कर लेना, बहुत बार कंपल्सरी क्वेश्चन में पूछते हैं उसको। ओके, अभी हम जानते हैं साइंटिफिक मेथड क्या होता है। वॉट इज साइंटिफिक मेथड? तो मेथड वही, अगर हम एक रिसर्च करते हो जो एक मेथड फॉलो करेंगे, साइंटिफिक अगर तरह से वो फॉलो किया जाए तो साइंटिफिक मेथड का कहते हैं उसको। कुछ स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स याद रखो आप, जो प्रॉपरली स्टेप्स आपको याद होने चाहिए तो पेपर में अच्छा आंसर बन जाता है। पहला कि प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई करना, ठीक है, साइंटिफिक प्रोसेस का पहला पार्ट। देन उसके रिगार्डिंग, प्रॉब्लम के रिगार्डिंग अगर कोई कुछ किसी ने पहले कुछ बात लिखी है लिटरेचर, उसको रिव्यू करना, पढ़ना, जानना, वो सेकंड स्टेप। देन हाइपोथेसिस कि ब्रॉडर की मैं क्या, मुझे लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग की मैं क्या थ्योरी की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से कि अमीर इस तरह बिहेव करते हैं, गरीब इस तरह बिहेव करते हैं, कुछ भी जो भी मैं चाहता हूँ थ्योरी को, कि विमेन इस तरह से एक्ट करती हैं, नहीं करती हैं, समाज ये कर रहा है, वो कर रहा है, रिलीजन किस तरह का जो इंटीग्रेट कर रहा है या तोड़ रहा है, मैं ब्रॉडर कुछ हाइपोथेसिस निकालूंगा। ठीक है, हाइपोथेसिस बोलते हैं उसको, जो मेरी एक अभी रॉ थ्योरी होती है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। देन मैं उसके हिसाब से उसके लिए डेटा कलेक्ट करूंगा, आगे मैं चेक करूंगा उसकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि वो कितनी रिलायबल, मतलब कि अगर मेरे सिवा कोई और इस डेटा को इकट्ठा करता तो क्या सेम डेटा इकट्ठा करता। ठीक है जी, रिलायबिलिटी वैलिडिटी होती है, जो मैं ढूंढने निकला हूँ मैं वही ढूंढता हूँ। ठीक है, मैं अगर लेट से ढूंढने निकला हूँ कि विमेन का क्या रोल है समाज में, तो मैं उसी के रिगार्डिंग डेटा ढूंढ रहा हूँ, मैं कुछ और कुछ डाइग्रेस नहीं कर रहा हूँ। वैलिडिटी उसको मेंटेन करेंगे, जो मैं सीख कर रहा हूँ वही जो मैं सोच रहा हूँ फाइनली हाइपोथेसिस में आएगा मेरे पास, या उसके हिसाब से वही बड़ा डेटा मैं निकालता हूं, दैट इज कॉल्ड वैलिडिटी। चैप्टर 3 में इसको हम दोबारा आपको मैं डायग्राम से समझाऊंगा, अभी बस इतना जान लो। ओके, देन टेस्ट करना हाइपोथेसिस को वेरियस फैक्ट्स के साथ, टेस्ट करना कि जो मेरी हाइपोथेसिस थी उसको मैंने जगह 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 टेस्ट किया कि बात ठीक बन रही है कि नहीं बन रही। इस उसके बाद अगर हाँ जी लग रहा है कि कुछ वो सारी चीज़ें टेस्ट पास हो गए, तो मैं जनरल लॉज बनाऊंगा, देखो ये थ्योरी ऐसे होती है, रिलीजन ये कर रहा है, जेंडर का ये वाला रोल है, एट्सेट्रा, मैं थ्योरी बनानी शुरू कर दूंगा। एंड लास्ट में मैं अपने डेटा को प्रेजेंट करूंगा, ओके, कि मेरे पास ये मेरी थ्योरी है, डेटा को मैंने साथ में अटैच कर रहा हूँ, देख लो जो मेरी थ्योरी। साइंटिफिक मेथड ये कहलाता है रिसर्च का। एंड ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो हमने देखा, इट नीड्स टू बी ऑब्जेक्टिव, कि मैं अपने बायसेस को बीच में मत लाने दूं, अपने प्रेजुडिसेस और अपने इमोशंस को बीच में ना लाने दूं, बिल्कुल ही इसको ऑब्जेक्टिवली पूरा करूं। लेकिन अब इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी देख लें, तभी हमारा आंसर कंप्लीट होगा। क्रिटिसिज्म में मैं कह रहा हूं कि मेथड तो सिर्फ एक जरिया है, एक जरिया है एक एंड पे पहुंचने का, ठीक है। एंड इसके बाद इसीलिए साइंटिफिक, इसलिए जो क्रिटिक्स हैं इसके, वो बोलते हैं कि साइंटिफिक मेथड तो बस एक, वन ऑफ द मेथड्स है, जस्ट वन मेथड अमंग मैनी, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हम ये पूरा का पूरी रिसर्च करने के, हम पढ़ेंगे। फेमिनिस्ट ने भी तरीके दिए चैप्टर 3 में कि कैसे स्टडी कर सकते हो। एंड इसी अपने लेक्चर के एंड में भी आपको मैं तरीके दूंगा कि कैसे कैसे हो सकता है। तो ग्लोरिफिकेशन कहते साइंस की करना इज बैड, कि कहते साइंस सिर्फ साइंटिफिक तरह से ही आपने करना है सारी रिसर्च, या फिर जो आपको पीछे तरीके बताए गए उसी तरह से करना है, दैट इज बैड फॉर द ग्रोथ ऑफ नॉलेज। लेट डाइवर्सिटी कम, लोगों को अपने डाइवर्स तरह से एक्ट करने दो एंड डाइवर्स तरह से लोगों को रिसर्च करने दो, उनको एक तरीका ना बताओ कि ऐसे आपने करना है। ठीक है जी, तो क्रिटिसिज्म में एक ही हमारे पास है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म देखेंगे भी हम। तो कह रहे हैं ये जो हमने प्रोसेस किया था कि हम बहुत सारा पहले डेटा इकट्ठा करते हैं, डेटा इकट्ठा किया बहुत सारा, उसके बाद हमने बोला अच्छा ये पैटर्न नज़र आ रहा है, उस डेटा के बेसिस पे हमने थ्योरी बना दी अपनी, तो दैट इज नोन एज इंडक्शन। ठीक है, ये है इंडक्टिव प्रोसेस बोलते हैं इसको, इंडक्टिव। लेट से अगर मैं पहले मैं थ्योरी बनाऊँ उसके हिसाब से डेटा इकट्ठा करूँ, तो उसको दैट इज नोन एज डिडक्शन। ठीक है, दैट इज नोन एज डिडक्टिविज्म या डिडक्शन। ठीक है, थ्योरी से डेटा है या डेटा से थ्योरी है, आप समझ रहे हो बात, कि इसमें कोई फर्क भी है ना, दोनों दोनों मेथड में फर्क है। तो साइंटिफिक मेथड जनरली इंडक्टिव होता है एंड इसलिए रिफ्यूटेबिलिटी नहीं आती। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, लेट से मैंने डेटा इकट्ठा किया, बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया, और उस डेटा में लेट से 100 में से मुझे 90 टाइम्स कोई चीज़ नज़र आई, लेट से मैं बोलूँ कि 100 में से 90 बार नज़र आया कि वेमेन आर केयरिंग एंड वेमेन दे वॉन्ट दे लाइक टू स्टे इनडोर्स। ठीक है, घर में रहना पसंद करती हैं, तो मैं बोल दूंगा अच्छा जी, तो मैंने थ्योरी बना दी उसके बेसिस पे लेट से कि वेमेन को तो घर के काम ही करने चाहिए,
ठीक है, वो घर के काम करने में अच्छी हैं, लेकिन जो 10 जो इसको अडेयर नहीं कर रहे थे, जो 10 अडेयर नहीं कर रहे थे इस पर्टिकुलर थ्योरी को, मैंने उसको रिफ्यूट कर दिया, मैंने उसको हटा दिया। मैं जो पर्टिकुलर चीज़ जो इसको रिफ्यूट करती है साइंस या फिर इंडक्टिव प्रोसेस, उसको ओवरलुक कर देता है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है कि ओवरलुक क्यों कर रहे हो, दैट मीन्स आपकी थ्योरी कंप्लीट तो नहीं है ना, कि हर जगह तो वैलिड नहीं हो रही। ओके, इसलिए साइंस क्या, एक और चीज़ है, साइंस रिलेटिव प्रेडिक्शन करता है, रिलेटिव इन रिलेशन टू, कि ये अगर ए ऐसा हो रहा है तो बी ऐसा हो जाएगा, रिलेटिव प्रेडिक्शंस है, साइंस की एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस नहीं होती। ठीक है, अगर ये प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद चांसेस हैं कि ये वाला भी हो जाएगा। आप जब भी, आप सबसे इसका क्लियर कट एग्जाम्पल है हमारा डायग्नोसिस, जब हम डायग्नोसिस करना कराने जाते हैं अपनी बीमारी का क्या हुआ, तो डॉक्टर बहुत सारी चीज़ें से, ए अगर आ रहा है तो सिम्टम तो लेट्स से अच्छा हो सकता है कि आपको ये बी बीमारी होगी। ठीक है, इस तरह से तो रिलेटिव प्रेडिक्शंस हैं मेटियोरोलॉजी में, स्पेस में, कि बहुत सारे इवेंट हमें नहीं पता कि कब कौन सा, मेटियोरोलॉजी में क्यों लिखा हुआ है कि आप लेट्स से अर्थ की तरफ कोई कॉमेट चलता हुआ आ रहा है, तो रास्ते में हो सकता है कि सन की फोर्स कैसे इस पे एक्ट करेगी, हो सकता है जुपिटर कुछ कर दे। ये हुआ था ये वाला 90s में, एक मेजर कॉमेट अर्थ की तरफ आ रहा था, लेकिन हुआ क्या, बीच में जुपिटर के बच को क्रॉस नहीं कर पाया, वो जुपिटर में जाकर टकरा गया, एंड जुपिटर पे अभी भी एक मेजर क्रेटर बना हुआ है। तो रिलेटिव प्रेडिक्शन है मेटीरियोलॉजी में, स्पेस में, इतने सारे स्पेस में, आज भी स्पेस में हम इतने सारी चीज़ें भेजते हैं, वो कहीं जाके खो जाती हैं, ठीक है, मिलती ही नहीं, कहाँ चली गई, क्योंकि रिलेटिव सब चल रहा है, एग्जैक्ट नहीं चल रहा। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं कि साइंस एंड स्यूडो साइंस में फ़र्क भी एक नाम की चीज़ होती है। जैसे स्यूडो साइंस, वैसे एक ये एक वर्ड लिखा हुआ है बुक में, तो मुझे वैसे ये पॉइंट इतना अच्छा नहीं लगता, स्टिल बुक में लिखा हुआ है तो बच्चे लिखना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये छोड़ देना, क्योंकि ये इग्नू में भी मैंशनड है। और स्यूडो साइंस होती है जो एक अभी साइंस नहीं बनी है, बस साइंस बनने का क्लेम कर रही है अपने आप को चीज़ें। तो ऐसे जैसे वो बोलते हैं कि साइकोलॉजी को बोलता है वो साइंस बनने की ट्राई कर रही है, लेकिन साइंस नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर पाती, तो वो तो साइंस भी नहीं कर पाती मेरे हिसाब से। तो ये पॉइंट को अगर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैंने लिख दिया थोड़ा आपको बताने के लिए। स्यूडो साइंस क्या होती है, एक ऐसी साइंस जो अभी साइंस नहीं है, इन बिटवीन कहीं पर है, लेकिन साइंस की तरह बिहेव करती है, जैसे साइकोलॉजी को बोलते हैं वो। ओके, सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी एटसेट्रा। अब मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में बता रहा हूं, इनके बारे में नोट करके रखना, ये जगह जगह कोट होते हैं साइंटिफिक मेथड में भी, साइंस में भी एटसेट्रा। तो है पहला थॉमस कुहन। थॉमस कुहन ने किताब लिखी साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये हमने हर लंबस से उठाया हुआ, हर लंबस में मेंशन है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन बुक लिखी। वो बोल रहे हैं कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन तो एक कंटिन्यूस और कलेक्टिव मेथड है। अगर मैं बोल दूं, अगर मैं कि हाँ साइंस को इस तरह से होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो मैं ये क्लेम कर रहा हूं ना कि मेरे को फाइनल पता लग गया किस तरह से होना चाहिए, तो मैंने तरीके बताने शुरू कर दिए। कहते साइंस तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैं कैसे बोल सकता हूं कि सिर्फ यही एक मेथड फॉलो करना है आपने, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद इवन विद नॉन साइंटिफिक मेथड्स मैनी डिसिप्लिन हैव ग्रोन एंड मेच्योर्ड, कि जिन्होंने साइंटिफिक मेथड एग्जैक्ट फॉलो नहीं किए तब भी वो इतने मेजर डिसिप्लिन बन गए हैं। हिस्ट्री, फिलोसफी, कोई साइंटिफिक मेथड फॉलो तो नहीं किया ना रिसर्च करने का, उसके बावजूद कितने कितने बड़े प्रोफेशंस, कितने बड़े डिसिप्लिन हैं। थॉमस कुहन ऐसे आइडिया लेके आ रहे हैं। देन रिसर्चर इन साइंटिफिक मेथड ऑल्सो मेक सर्टन अजम्पशंस, कि सब कुछ ही अजम्पशन पर बेस्ड है, इसीलिए साइंस को ज़्यादा ग्लोरीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एंड देन वो कह रहे हैं कि आज ये मेजर क्रिटिसिज्म है, जगह जगह दिखेगा अभी आपको, वो कह रहे हैं कि जो आज की जो साइंस है, जो आज की साइंस है, इट इज़ कॉलोनाइज बाय स्टेट और कैपिटलिस्ट। ज़्यादा देखो इतनी रिसर्च हो रही है डिफेंस पर, सब कुछ हो रहा है, कौन रिसर्च करा रही है, सरकारी करा रही है, स्टेट करा रही है, या फिर जो जितने जैसे लेट्स से मेडिसिन की इन्वेंशन हो रही है, जो भी कुछ बन रहा है, नई नई मेडिसिन बनाई जा रही हैं, उनको प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाया जाता है। तो इसलिए बोलते हैं आज की साइंस तो या तो स्टेट अपने लिए यूज़ करवा रही है या कैपिटलिस्ट अपने लिए यूज़ कर रहा है। तो साइंस को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड साइंस को फ्रीडम मिलनी चाहिए स्टेट से एंड कैपिटलिस्ट से, तभी ही साइंस कुछ ऐसे काम कर पाएगी जिससे ह्यूमैनिटी का बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इंडिविजुअल को सच में फ्रीडम मिल सकती है, अदरवाइज इंडिविजुअल अभी इनके हिसाब से क्या है, बहुत हम ये वर्ड बार बार पढ़ेंगे आगे, एलियनेटेड है। एलियनेटेड मतलब कि अपने आप से ही जुदा है ना, वो अपने सुना ना कुन फाया कुन में बोलते हैं, कर दे मुझे खुद से ही रिहा, तो ये वही है, ये एलियनेटेड है कि मुझे खुद ही नहीं पता मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसीलिए साइंस को आज़ादी मिलनी चाहिए। थॉमस कुहन के आइडिया लिख के रखना, बार बार पढ़ना, याद हो जाते हैं कि साइंस
ये क्या किया, कंटिन्यूस प्रोसेस है। हाउ कैन वी एवर से कि एक ही साइंटिफिक मेथड है, साइंस के मेथड फॉलो ना करते हुए भी हिस्ट्री फिलोसफी टाइप जो डिसिप्लिनस काफ़ी ऊपर आ गए। देन रिसर्चर भी काफ़ी एजम्पशंस लेके चलता है, इसलिए साइंस को बहुत ग्लोरीफाई ना करो कि कोई एग्जैक्ट चीज़ तो होती नहीं है, एजम्पशन होती हैं। एंड साइंस आजकल तो स्टेट और कैपिटलिस्ट की गुलाम है, उसको आज़ादी मिलनी चाहिए, तभी ही एलियनेशन खत्म हो सकती है। नेक्स्ट थियोडोर अडॉर्नो, अडॉर्नो जी क्या कहते हैं, अडॉर्नो सेवन साइंस की एक तरह से प्रोग्रेस दिखाते हैं कि साइंस किस तरह से प्रोग्रेस करी। वो बोलते हैं कि 17th-18th सेंचुरी में साइंस नेचर स्टडी करने पे शुरुआत होती है, उसके बाद वो बोलते हैं 19th सेंचुरी में साइंस नेचर को एक्सप्लॉयट करना शुरू करती है, उसके बाद 20th सेंचुरी वो कह रहे हैं वॉरहेड, नए नए तरह की चीज़ें, डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ साइंस निकल कर आ रही है, बहुत चरम सीमा पर आ रही है। एंड आज 21st सेंचुरी में वो कह रहे हैं कि स्टेट ने और कैपिटलिस्ट ने बिल्कुल कब्जा डाल दिया है साइंस पर, अपने हिसाब से ही काम करवाते हैं, एंड इंसान की चॉइसेस, फ्रीडम को ऐसे हमें लग रहा है बढ़ा दी गई हैं, लेकिन काफ़ी घट गई हैं, हम काफ़ी गुलाम हो गए हैं चीज़ों के, इनके बाहर देख ही नहीं पाते। इसलिए अडॉर्नो भी बोलते हैं कि साइंस को सेलिब्रेट करना इतना बंद करो, साइंस को अब जो सेलिब्रेट कर रहे हो नेचर के और इंसानियत का बुरा हाल कर दिया साइंस ने, तो अडॉर्नो तो इसलिए बोलते हैं। देन कम्स कार्ल यूंग, कार्ल यूंग बोलते हैं इसको आई गेस, ठीक है, कार्ल यूंग साइकोलॉजिस्ट थे, साइकेट्रिस्ट, तो ये स्विस साइकेट्रिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट। कार्ल यूंग सेज कि बहुत सारी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, सब्जेक्टिव देखो ऑब्जेक्टिव नहीं है ये, सब्जेक्टिव जैसे हैप्पीनेस, ब्यूटी, नॉलेज, प्लेजर, इनको नापा नहीं जा सकता साइंटिफिक तरीके से कभी भी, तो इसलिए कह रहे हैं साइंस को इतना सेलिब्रेट क्यों करना, कहते हैं इंसान अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें हैप्पीनेस के लिए तो कर रहा है, ठीक है, या प्लेजर के लिए कर रहा है, नॉलेज के लिए कर रहा है, तो इनको नाप ही नहीं सकती जब साइंस, तो हमें क्यों साइंस के पीछे पागलपंती चली हुई है, ठीक है जी। इसीलिए मेथडोलॉजी जो आपने जो तरीका फॉलो करना है वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप नेचुरल साइंसेज पढ़ रहे हो तो वो तरीके फॉलो कर लो, अगर आप ह्यूमन साइंसेज पढ़ रहे हो तो तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है जी। एंड लास्ट कम्स पॉल फेयरबैंड, पॉल फेयरबैंड इज हाईली क्रिटिकल, ही इज द मोस्ट क्रिटिकल पर्सन यू विल एवर मीट, तो जो साइंस के काफ़ी खिलाफ हैं, ये तो वर्ड भी अपना बड़ा सही ज़बरदस्त ईजाद करेंगे। वो कह रहे हैं साइंटिफिक मेथड तो एपिस्टेमोलॉजिकल एनार्किज्म है, एपिस्टेमोलॉजिकल मतलब कि एक अकेडमिक तरह का कि अकेडमिक एनार्की मचाई हुई है साइंस ने, साइंस ने क्या ऐसे कहते एक बात फैला दी है, साइंस ने एनार्की फैला दी है, एकदम लॉलेसनेस फैला दी है, कैसे कि कह रहे जो भी डिसिप्लिन साइंस बोलती है साइंटिफिक मेथड फॉलो नहीं करता उसको सीरियसली मत लो, जो भी डिसिप्लिन साइंटिफिक मेथड फॉलो नहीं करता उसको सीरियसली मत लो, कहते साइंस ने ऐसी विचारधारा इतनी फेमस कर दी है, लोगों ने बहुत सारे डिसिप्लिनस को क्वेश्चन करना ही शुरू कर दिए कि एज इफ वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है जी। इसीलिए ये बोलते हैं कि साइंस कहते ह्यूमन प्रॉब्लम्स के साथ डील तो क्या ही करेगी, उसको बढ़ा रही है बहुत मेजरली, हमने देखा पीछे वॉरहेड्स वगैरह, नेचर को एक्सप्लॉयट करना एक्सेट्रा, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि बिहेवियरल साइंसेज रिसर्चर शुड बी गिवन फ्रीडम, इनको आज़ादी मिलनी चाहिए कि आप साइंटिफिक मेथड फॉलो करो ना करो, ठीक है कोई चक्कर नहीं, एंड यू शुड बी गिवन एब्सोल्यूट फ्रीडम, ठीक है जी। तो ये फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो ये हमारे पास आइडिया से, और ओवरऑल चैप्टर हमने अगर देखें क्विकली तो चैप्टर में हमने साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक पढ़ा हमने, एंड उसमें पहले हमने देखा कि सोशो साइंस है या नहीं, डिबेट आई तो हमने साइंस डिफाइन करने शुरू की, साइंस होती क्या है, तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स टोकी के हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए फेवर में, टोकी हमने अगेंस्ट किया, एंड विंडलबैंड रिकेट का आइडिया देखा, नोमोथेटिक इडियोग्राफिक, एंड देन हमने वेबर से कंक्लूड भी कर सकते हैं कि वेबर बोलता साइंस इन इटसेल्फ है, एंड उसके बाद हमने बोला साइंस का एक ओवरऑल कंक्लूजन दिया, साइंस क्या निकल के आती है, साइंस मेथडोलॉजी, स्पिरिट, पर्पस, कॉन्सिक्वेंसेज की बात करी, एंड कार्ल पॉपर का डाल दिया आइडिया कि साइंस एक तरीका है, साइंस इज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी, साइंस इज नॉट एन एंड। अब देन साइंटिफिक मेथड आया, उसके स्टेजेस देखी हमने, और उसके बाद हमने देखा क्रिटिसिज्म देखा साइंटिफिक मेथड का, देन हमने स्पेसिफिक बंदों का देखा, थॉमस कुहन, थियोडोर अडॉर्नो एंड कार्ल यूंग एंड पॉल फेयरबैंड। ये थी हमारी टोटल कहानी, टॉपिक वन हमारा ख़त्म हो गया, काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है ये, और इस टॉपिक को हमने अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से हमने 40 मिनट में ख़त्म कर दिया है, तो इसको अब लेकिन पढ़ने ये नोट्स काफ़ी अच्छे हमारे नोट्स हैं, लेकिन आप अगर इसको और रीड कर लोगे तो आई गेस इट विल बी बेटर, टेस्ट में बहुत लोगों के बहुत अच्छे नंबर हैं, तो
बस मैं वही बोलूँगा कि अपने इसी तरह से तैयारी करे रखो एंड चीज़ें पढ़ते चलो, बार बार पढ़ते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, लिखते रहोगे, जनरली रैंक आते हैं, लोगों के रैंक ऐसे ही आते हैं, डे इन डे आउट पढ़कर ही आते हैं, जैसे आप सब लोग पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते चलो आगे, खुद को पता होता है कि मैं कितना आगे चल रहा हूँ कितना नहीं। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलेंगे जल्दी। एंड जब भी कोई पूरा लेक्चर देखो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दिया करो कि मैंने लेक्चर पूरा देखा। जनरली मुझे लगता है कि ना पूरा लेक्चर देखना यूट्यूब पर तो एक अपने आप में ही अचीवमेंट है ना, हो जाता है ना कि काफ़ी थकान हो जाती है, लेकिन क्लासेस में बच्चे भी बैठते हैं 2.5 घंटे, तो वहाँ पे चलो गप्पे शप्पे बहुत चलती हैं, यहाँ बहुत रेगुलर डिलीवरी है, बहुत क्विक डिलीवरी होती है, तो इसी कारण से शायद कि आप क्विक देखो, और अगर लास्ट में अगर कभी पूरा लेक्चर देखते हो तो प्लीज़ बता दिया करो कि वॉच द लेक्चर टिल द एंड, बहुत ही अच्छा लगता है सुन के। ठीक है, ओके, थैंक यू।